किससे? माइक्रोब से। ठीक है, किस सेंचुरी में बना था? 20th सेंचुरी में। ठीक है, और ये किस चीज से बना है ना? ग्रीक वर्ड से आया है ये। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और बायो का मतलब क्या होता है? ठीक बात, चलो ये किस चीज के अगेंस्ट होता है ना? ये हमारे पास लाइफ का अगेंस्ट होता है। किसका? ना डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट होता है, किंतु ह्यूमन यानी ह्यूमन बीइंग के लाइफ के नॉट अगेंस्ट होता है, मतलब उसके प्रो लाइफ है ना। इसके बारे में ये क्या करता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये मार के खत्म है, साथ में इसका हाँ उसको ग्रोथ को डिस्कार्ड कर देना, उसको मार देना वगैरह होता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कब? ना ये 20th सेंचुरी में किए थे। किस चीज में किए थे? ना एक माउल्ड था, माउल्ड में देखे थे एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था? ना स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को उसको ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। वो माउल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटाटम। इस माउल्ड से पेनिसिलियम बोल के केमिकल बनाया गया, और इसी से पहला केमिकल एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक बात, अब इसके बाद जो पेनिसिलियम के बारे में फुल पोटेंशियल में वो नहीं बताया, पेनिसिलियम का फुल पोटेंशियल के बारे में किसने बताया था? अर्नेस्ट चेन ने एंड हमारे पास हावर्ड फ्लोरे ने, इन दोनों ने मिलकर के इसका एक्सटेंसिव यूज को बताया था। फिर बाद में इसका अमेरिका में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो लोग सोल्जर्स थे उनको घाव वगैरह हुआ, इस एंटीबायोटिक का खूब यूज हुआ था। एंड देन फ्लेमिंग को, चेन को एंड फ्लोरे को 1945 में पेनिसिलियम के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक बात, चलो अब इसमें कुछ और पॉइंट है जो हम लोग को जान लेना है। पेनिसिलियम के बाद भी हमारे पास और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बने थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ऐसे करके बहुत सारे बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए पेनिसिलियम जैसा ही कुछ बने थे। तो क्या क्या बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए बने थे? एक हो गया प्लेग, वूपिंग कॉफ जिसको हम लोग काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलघोंटू, लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनका हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक से। ओके चलो, अब इसके बाद हमारे पास ये हो गया आज का इतना ही।